पैक होता है वो आपको दिखाता हूँ। ऊपर से आता है और यहाँ पैक होने के बाद गाइस गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सतीन गौर एंड आई एम अ नर्स पार्ट टाइम टर्न इनटू ब्लॉगर। और आज की इस वीडियो में आपको एक ट्रिप पे लेके चलता हूँ और हमारे साथ हमारे क्लास के सारे बंदे जाने वाले हैं, हमारा भाई भी जाने वाला है हमारे साथ में। तो आपको अरे यार तो आपको इस वाले ब्लॉग में बहुत ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है। जो वालों के साथ जा रहे हैं अभी अभी रेडी हो चुके हैं और भाई हमारा जूते पहन रहा है। क्लास में आ चुका हूँ और यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं, बस यहाँ से निकलने का वेट कर रहे हैं। और टाइमिंग आ गई है 10, तो अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। और इधर सारे क्लास वाले बैठे हुए हैं, ये भरत इसको तो जानते होंगे आप सब, और भी बहुत सारे क्लासमेट हैं, उनको तो बाद में दिखाऊंगा, पहले आप मुझे ही देख लीजिए। और आज आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। बस में बैठने के लिए जा रहे हैं और हमारे कैप्टन साहब की खुशी एक अलग से दिखाई दे रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैप्टन साहब से एनी वर्ड, कैप्टन साहब से एनी वर्ड आशुतोष भाई। और हमारे यहाँ बिल्ली मटर पुरुषोत्तम भाई आ चुका है और पुरुषोत्तम भाई के कहने मैंने ब्लॉग दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अरे नहीं यार, और धूप भी अच्छी हो गई है, गर्मी भी लगने लगी है, एक पानी की बोतल भी रख ली साथ में। और यहाँ पे आकांक्षा मैडम आ रही है, मैं फोन अपना बाद में करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं बस में आ चुका हूँ सबके साथ में, यहाँ पे सारे लोग साथ में दिखाई दे रहे हैं। इधर एक बार आए से आई टू कैमरा और बिना आवाज किए एक बार इधर साथ में जैसे गुस्सा आ रहा है और सर चिल्ला रहे हैं, तो मैं जहाँ तक तो उसे बोला मैं वहाँ तक ब्लॉग पूरा करूँगा, वहाँ फैक्ट्री में जाकर करने की भी कोशिश करूँगा। अगर वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा तब आ चुके हैं बस यहाँ से कुछ ही दूर पे मिल्क प्लांट है और अभी बस कुछ ही मिल्क में पहुँचने वाले हैं बाबू ये प्लांट पर। वहाँ आपको दिखाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, ऐसे मिल्क को पैक किया जाता है, सारी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ के बीच में से नहीं ब्लॉग किया क्योंकि कुछ दिखाने लायक था नहीं, सब कुछ बोरिंग सा था और इस वजह से मैंने उस टाइम ब्लॉग नहीं किया, लेकिन अब ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगा। और आज आप देख सकते हैं ये है वो प्लांट इधर, आगे से एंट्री मिलेगी उधर साइड से, आगे से वहाँ जाके इस साइड से एंट्री है, वो भी एंट्री लेते हैं फिर मिलेंगे। A few moments later. अभी हम अंदर प्लांट के अंदर आ चुके हैं और इधर परमिशन को दिखाया उसके बाद एंट्री मिली है और धीरे धीरे सभी एंट्री ले रहे हैं इधर। और भाई जिस जिसको वॉशरूम जाना है अभी चले जाना, फिर वॉशरूम नहीं जा पाओगे, ठीक है? बैग चेक नहीं हो रहा, एंट्री हो रही है, एक बार एंट्री हो जाए फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। और हाँ, वीडियो शूट करने की परमिशन मिल चुकी है तो मैं वीडियो पूरी बनाऊंगा, पूरी आपको दिखाऊंगा वीडियो, तो अभी मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। जो आर्मी वाले सर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो दोबारा से इंस्ट्रक्शन देने के लिए बुला रहे हैं और हमारे सर आ चुके हैं अंदर बात करके। तो अभी फर्स्ट प्लांट में हम एंट्री करेंगे तो आपको दिखाएंगे और यहाँ बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेगी हम सबको। चलो फिर अंदर चलते हैं, फर्स्ट प्लांट में जा रहे हैं और यहाँ पे दिखाया जाएगा मिल्क को किस तरीके से गर्म किया जाता है, किस तरीके से उसको पास्टोराइज किया जाता है। तो अभी अंदर चलते हैं और हाँ ले भाई तुझे ले लिया ब्लॉग में, और यहाँ संभल के चलना, ठीक है भाई लोग? आराम आराम से करना देख के। और आसिफ भाई भी बहुत एक्साइटेड है आप। जो मिल्क पैक होता है उसका ये रैप है जिस तरीके से वहाँ पैक करते हैं, और इधर आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको पैक करते हैं। एक बार हटना, तुम लोग आज यहीं से मिल्क ले जाना रात के चाय बनाना, और यहाँ से किस तरीके से पैकेट को पैक करके निकाला जाता है और यहाँ पे इसको रखते हैं और उसके फिर आगे चल के आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं, यहाँ किस तरीके से पैक करते हैं
पैक करने के बाद इनको यहाँ पे इसमें रखते हैं, क्रेट में रखने के बाद इनको सेल कर देते हैं। भैया एक मिनट में ये कितना पैकेट निकल जाता होगा इसका, एक मिनट में कितना पैकेट पैक होकर निकल जाता होगा? नहीं फिर भी अप्रॉक्सीमेट 10 तो निकल ही जाते होंगे ना। हाँ तो एक मिनट में 10 कम से कम 10 पैकेट निकल जाते ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ये भैया ने बताया कि एक मिनट में कम से कम 10 पैकेट निकल जाते हैं पैक होके, और इनको यहाँ पे पैक करने के बाद क्रेट में रखने के बाद फिर सीधा इनको सेल करने के लिए भेजा जाता है मिल्क पार्लर के पे, क्योंकि सांची मिल्क पार्लर करके इनका खुद का ऑनरशिप भी होती है, इनकी ऑनरशिप होती है। यहाँ पे किस तरीके से दूध पैक होता है वो आपको दिखाता हूँ। ऊपर से आता है और यहाँ पैक होने के बाद कट होने के बाद नीचे करता है, और ये ऐसे करके ये प्रोसेस पूरी चलती है। और यहाँ पे ये दही यहाँ पे पैक हो रहा है, पाउच पैक कंपनी की पाउच फिलिंग मशीन है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये दही पैक हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको यहाँ पे। भैया एक मिनट में कितने पैकेट पैक होके निकल जाते होंगे? ऑपरेटर कौन है भैया? अच्छा वो उधर है ऑपरेटर, वो है। अच्छा भैया ये पूछ रहा हूँ, ये जो मिल्क के पैकेट है एक मिनट में कितने पैक होके निकल जाते होंगे? 50 ये दही वाले और दूध वाले सेम 50-50 पैकेट एक मिनट में यार 3000 पैकेट पर घंटा। ओके इधर नेक्स्ट सेशन के चलते हम लोग, और यहाँ पे हमारे भाई लोग सब अंदर आने के लिए खड़े हैं, तो मैं अंदर चलता हूँ। और यहाँ पे सेंट्रल लैब करके एक जगह है, उसमें चलते हैं। और ये हमारी बिहारन हाई कर रही है। मैंने अभी आपको सेंट्रल लैब में दिखाया था क्या क्या था, किस तरीके से दे रहा है, तो बड़ा संभल के उतरना होगा क्योंकि फोन का फ्लैश तो काम करेगा नहीं क्योंकि। और यहाँ पे हम एक नेक्स्ट सेशन के लिए जा रहे हैं, पाउडर बनता है दूध का, उसको दिखाया जाएगा किस तरीके से पाउडर बनता है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पाउडर मिल्क पैक होता है, उसके लिए इधर जा रहे हैं। और यहाँ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे एक नोटिस भी लगा है कि तंबाकू बीड़ी का कोई उपयोग ना करें। और इसके साथ ही हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बहुत बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है। और यहाँ पे जो पैकेट वाला मिल्क होता है उस मिल्क को हम दिखा रहे हैं आपको। कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट सेशन के लिए चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि दूध और दही को किस तरीके से पैक करते हैं, और पाउडर मिल्क किस तरीके से बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सब देखा था। अब नेक्स्ट सेशन के लिए चलते हैं, जहाँ पे घी को पैक करते हैं और श्रीखंड वगैरह बनता है और पेड़ा वगैरह बनते हैं, उस सेशन के लिए अब हम चलते हैं। और प्यास लग रही है, काफी थक रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे नींद भी हंस रही है। क्यों ओए? हाँ। मैं कह रहा हूँ नीतू भाभी हंस रही, नीतू भाभी और हंस गई। और क्या, देवर जी हजार ऐसा होता है। सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। जिसको जो कुछ भी खाना है एक लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से होलसेल में जो रेट होते हैं वो चीज मिलेंगी। यहाँ पे सब अपने अपने फोटो क्लिक करने में बिजी है, लेकिन हमारा हाल कोई नहीं दे रहा है। इधर देखो, इधर भी सारे फोटो क्लिक करने में बिजी है, और उधर भी सारे के सारे फोटो क्लिक करने में बिजी है। लेकिन हमारे बॉयज अभी नहीं आए क्योंकि हमारे बॉयज दूसरे राउंड पे गए हुए हैं, हम पहला राउंड घूम के आ चुके हैं। और अभी कुछ खाने का सामान मंगाते हैं, उसके बाद चम्मच ऑर्डर किया हूँ श्रीखंड। मैम श्रीखंड बोल के ग्रीस खिला रहा है सबको। यस मैम बिल्कुल पेड़ी आपके लिए लाइव चला रहा है। अब यहाँ से विजिट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है, और लो तुम्हारी शक्ल देखो, और यहाँ चलते हैं। काफी टाइम हो गया, और 2:30 हो गए, 2:30 हो गए, अब चलते हैं। काफी टाइम हो गया, लेकिन जो हमने खाया
श्रीखंड खाया, बहुत खराब लगा। रबड़ी बहुत अच्छी लगी, लस्सी का पता नहीं, जिसने पी होगी उससे पूछो। और और कुछ नहीं, अब हम घर जाएंगे, पहले कॉलेज जाएंगे। नहीं जाएंगे, जिसको जाओ उतरना वो उतर सकता है। थैंक यू सतीन फॉर इंट्रोड्यूस एवरीथिंग। ओके ओके, कुछ ज्यादा इंग्लिश बोल गई, पूरा ब्लॉग का कचड़ा कर दिया इंग्लिश बोल के, इससे बढ़िया हिंदी में बात कर ली थी। तो अभी हम लोग हर तरीके के जीव रहते हैं, बिहार के भी हैं, एमपी के भी हैं, यूपी के भी हैं, हर जगह के प्राणी हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं बस में बैठा था, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। फाइनली ट्रिप कंप्लीट करके रूम में आ चुका हूँ और इतना ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ कि अब ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ कभी भी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्हाट्स अप रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मुझे जरूर बताना इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और साथ ही साथ बाय।